जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के बारे में कि वो हमारा एंट्रेंस एग्जाम 18 जुलाई को है, ये तो सभी को कंफर्म है, लेकिन अब हमारे एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे, हमारा जो उसके साथ साथ और क्या क्या दिशा निर्देश है, सेंटर हमारा कहाँ पर रहने वाला है, तो इन सब सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही होता है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 जो कि आप सभी को पता है, जो कि 18 जुलाई को होने वाला है। अब इसके लिए लगभग जो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 5 लाख से अधिक फॉर्म भरे गए थे, जो कि 2.5 लाख सीट है उत्तर प्रदेश में और 5 लाख से अधिक फॉर्म भरे गए हैं। अब जो हमारा ये एग्जाम है 18 जुलाई को, दो शिफ्ट में आपका होता है, एक मॉर्निंग और एक आपका इवनिंग शिफ्ट। अब आपका जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट है उसमें आपका जो पेपर होता है उसमें आपके दो सब्जेक्ट आते हैं, और जो इवनिंग वाली शिफ्ट होती है उसमें भी दो सब्जेक्ट आते हैं। 200 नंबर का आपका ये पेपर होता है, मॉर्निंग शिफ्ट वाला भी और इवनिंग शिफ्ट वाला भी। और डिटेल में जानना है कि आपका मॉर्निंग शिफ्ट में कौन कौन से पेपर आते हैं, इवनिंग शिफ्ट में कौन कौन से पेपर आते हैं, या प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहां पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है। अब आगे बात करते हैं कि एडमिट कार्ड कब तक जारी किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं। साथियों, सक्षम एजुकेशन फाउंडेशन जो कि हर साल स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है, लगभग हर साल लाखों बच्चे इसका फायदा उठाते हैं, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप का, तो आप वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसका कोई भी आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। और हाँ साथियों, ये जो आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, ये स्कॉलरशिप आपको जो आपकी गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिलती है उससे अलग दी जाएगी, यानी कि जो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है वो आप अप्लाई करेंगे ही, और ये जो स्कॉलरशिप होगी ये बिल्कुल अलग होगी, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी तरीके का कोई शुल्क नहीं है। तो साथियों, अब बात करते हैं जो आपका एंट्रेंस एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है वो कब तक जारी किए जाएंगे। तो साथियों, आपका 18 तारीख तक, जो आपका 18 तारीख को आपका एंट्रेंस एग्जाम है, तो जो आपके एडमिट कार्ड है वो लगभग 10 जुलाई तक आपके जारी कर दिए जाएंगे, यानी कि 10 से 12 जुलाई तक आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। और साथ के साथ इस बार जो आपका एग्जाम सेंटर है, जैसे पहले होता था कि आपका दूसरी सिटी में भी आपका सेंटर चला जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट के सख्त आदेश हैं, जो आपका सेंटर है वो आपकी जो जिला है उसी में ही रहने वाला है, यानी कि जिसको आपने फर्स्ट प्रायोरिटी दी हुई होगी उसी में आपका सेंटर पढ़ने वाला है, यानी कि आपका दूसरी सिटी में सेंटर नहीं जाएगा, जहां पर आपने फर्स्ट चॉइस फिल की थी वहीं पर आपका सेंटर रहने वाला है। और उसके बाद में जो दिशा निर्देश है वो दिशा निर्देश ये है कि जो कोविड की गाइडलाइन है उसके लिए आपको मास्क पहन के जाना है, आपको जो सैनिटाइजर छोड़ा सैनिटाइजर आपको लेकर जाना है, तो इन सब सारी चीजों का ध्यान रखना है। तो साथियों, यदि आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।